स्टूडेंट स्टार्ट द केमिस्ट्री क्लास है मैथमेटिक्स क्लास काली हो जाइए केमिस्ट्री क्लास रे आज हम आमर केमिस्ट्री क्लास हम ओके सो टुडे विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल फिनॉल्स ऑलरेडी आमे प्रीवियस क्लास रे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स and it's a what is phenols, next classification of phenols, nomenclature of phenols, and also methods of preparation of phenol हम already देखी थी ले. Now आज पढ़िबा the chemical properties of phenol. Okay, देखो chemical property रे हमें कौन पढ़िबा, how does phenol reacts with or what are the different type of reactions shown by the phenols. Hello, they are called today are the structure of phenol is the here the structure, this is the structure of phenol in which the OH group is directly attached to the benzene nucleus. So here the if we study the chemical properties then kon likhiya tala ame now the chemical properties of phenols can be seen from its three headings. Or phenol shows three types of chemical reactions. One is the reaction due to kon padiba na reaction due to OH group. Okay, केवल ए OH group टा ब्रेकेज हबो. So the रिएक्शन ड्यू टू ओएच ग्रुप आ अंडर आम कौन कौन केमिकल रिएक्शन जाऊँ देखा रिएक्शन अंडर ओएच ग्रुप अंडर रे. ओके नेक्स्ट 2 नंबर पढ़ा ना रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन है और बेंजीन न्यूक्लियस ए बेंजीन न्यूक्लियस कौन रिएक्शन देखाए ता अंडर रे कौन कौन केमिकल रिएक्शनस अच्छी. नेक्स्ट आर अंडर भी देखा आम कौन कौन रिएक्शन से देखा. नेक्स्ट थर्ड इज द मिसलेजिनियस रिएक्शन. ओके ये होची दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. ओके सो प्रीवियस क्लास हम हाउ कैन यू प्रिपेयर द फिनॉल्स फ्रॉम बेंजीन्स और फ्रॉम क्लोरोबेंजीन्स from benzene diazonated chloride, from benzene sulfonic acid. हला आमे प्रीवियस क्लास रे तीका मेथड्स प्रिपरेशन ऑलरेडी पढि सारि थिले. हला आजिबा रिया फिनॉल रो केमिकल प्रॉपर्टीज कोन अछि ना 3टा रिएक्शन पढिबा. द रिएक्शन ड्यू टू ओएच ग्रुप आ अंडर कोन कोन रिएक्शन अछि. ओके सो आ अंडर आमे रिएक्शन पढिबा रिएक्शन विथ मेटल्स, जोडा आमे कहबा मेटल द सोडियम इज द मेटल सॉफ्ट मेटल. So how does phenol react with the sodium? Next second reaction is how does phenol react with the alkali? Alkali means there is strong alkali. Here sodium hydroxide is the strong alkali. So how does phenol react with the sodium hydroxide? Next reaction with phosphorus pentachloride. How does phenol react with the PCl5? Next reaction I'm padiba how does phenol react with the zinc dust. Okay. जिंक डस्ट जिंक सहित फिनॉल केमती रिएक्शन करे. नेक्स्ट 5th रिएक्शन इज हाउ डज फिनॉल रिएक्ट विथ एमीन्स एमीन्स द फॉर्मूला इज और एमोनिया. ओके हाउ डज फिनॉल रिएक्ट विथ एमोनिया. सो दीज आर द रिएक्शंस व्हिच आर अंडर कैटेगरी ऑफ रिएक्शन ड्यू टू ओएच ग्रुप. ता अर्थ ए टोटाल ओएच ग्रुपटा कौन हम ना ओ केवल बेंजीन बेंजीन न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करना ना रिएक्शन रे ओनली ओएच ग्रुपटा ही रिएक्शन रे पार्टिसिपेट कर आम एत रिएक्शन पढ़ा बुझाबला बेले. नेक्स्ट जीवा रिएक्शन ड्यू टू दी बेंजीन न्यूक्लियस. सो अंडर दी कैटेगरी ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस विल स्टडी द फ्रीडेल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ओके द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction we have already seen what is electrophilic or how many types of electrophilic substitution reactions are there, the halogenations, nitrations, sulfonations. Okay If you add the chlorine, then it is called the chlorine essence. If you add a bromine, then it is called the bromine essence. Then if you add iodine, then it is called the iodine essence. But here phenol only reacts with the bromine. Okay. So here देखिए भाई electrophilic substitution reaction उन डरा में तीन डा देखिए भाई, है ना? Next other reactions are the miscellaneous reactions. So let us know the first reaction, that is the reaction due to the OH group. अच्छा ये उन डरा में कौन पढ़ी वाली देखा? Reaction due to OH group उन डरा में यह पढ़ी भाई, जो first what is phenol, whether it is the acidic compound or it is the basic compound. कहेंगे मुझे कोई ची रिएक्शन ड्यू टू ओएच ग्रुप अंडर आम पढ़िया अर्थ ओएच ग्रुप कौन होबा ना केवल बेंजीन ए जो न्यूक्लियस के ओथरे कोन बेंजीन रा और फिनल रा ए न्यूक्लिय बेंजीन न्यूक्लियस ता कोन हबानी ना रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करिवो नाही ओनली ओएच ग्रुप ही कोन रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करिवो ओके सो फिनल इज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज़ हम जानते एसिड माने कोन फिनल इज द लिक्विड हला आको हम कोन ना इट इज एसिडिक आल्सो कहीं ना इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड कलर हला जब एसिड सब्सटेंस थी हम ऑलरेडी जानी सारी इट चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर टू कौन ना रेड कलर सो एटा दिस एटा जो फास्ट तार सेकेंड रिएक्शन होची हाउ कैन यू नो इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल और आम केमिकल प्रॉपर्टी या पढ़ा राइट डाउन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स है फिनॉल्स रा एसिड नेचर एक्सप्लेन कर है आमे जाना गोटे सब्सटेंस एसिड कहते कह बोले इफ इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कलर देन इज कॉल्ड एसिड या जाना इफ इट इज ए सोर टेस्ट ताको पार्टी आंबिड़ी लगे कहवा दिट इज अल्सो एसिड कैरेक्टर नेक्स्ट जाना जदि गोटे सब्सटेंस एसिड होती इट इज द कैपेसिटी टू रिएक्ट विथ द मेटल्स मन रखी था दर दीज आर द सम ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिड जब से कौन हो एसिड हो सी मेटल सहित रिएक्शन कर पुणी कौन होती जदि से एसिड हो कौन क्या रिएक्शन करना बेस सहित भी रिएक्शन कर कौन प्रोड्यूस करना सल्ट भी तैयारी ओके और फॉर मोर एसिडिक कैरेक्टर आम जाना कौन ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर जापर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द सम कंपाउंड है सो और आउ गए जाना कौन ना के वैल्यू भी जापर मन रहा पॉइंट कहली मुझे फर्स्ट पॉइंट इज हाउ फिनॉल चेंजेस टू ब्लू लिटिव पेपर टू रेड कलर है जाना एसिडिक टू नंबर आम जाना कौन ना जदि जनकर के वैल्यू इज वेरी हाई देन इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड के वैल्यू कांस्टेंट ऑफ एसिड वैल्यू जानिबा थर्ड नंबर जाना सोर टेस्ट है दैट इज आल्सो एसिड फोर्थ रे जानिबा कोन इफ इट रिएक्ट्स विथ मेटल्स जदि जने जदि सब्सटेंस एसिड थियो से मेटल से रिएक्शन हे परिबो पुणी जदि सब्सटेंस एसिड थियो से कोन रिएक्शन हे परिबो ना अल्काइल सहित बेस सहित रिएक्शन होकर कौन प्रोड्यूस करा सॉल्ट प्रोड्यूस करे आउ कौन एसिड कैरेक्टर जाना ना आम रेजोनेंस स्ट्रक्चर रेजोनेंस एसिड कैरेक्टर आम जापर बुझेगा सो दीज आर द एसिड कैरेक्टर ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस नेक्स्ट जीवा राइट डाउन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल आम किमें जाना और एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स बस ध्यान दियो वेरी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन फ्रॉम इट्स रेजोनेंस कांसेप्ट रेजोनेंस जानिबा देखो रेजोनेंस कांसेप्ट हम फिनॉल किमे जानिबा भल से ध्यान दियो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल्स ओके व्हिच हैज डबल बॉन्ड्स इन अल्टरनेट पोजीशन हियर इज द ओएच ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैला ऑक्सीजन कंटेन्स ऑक्सीजन कतरे 8 हेले 2 एंड 6 तार आउटर मोस्ट ऑर्बिट कतरे इलेक्ट्रॉन अछि ना 6 टा इलेक्ट्रॉन अछि तो दिस इज द 1 2 3 4 एंड अदर टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन आ दु टा इलेक्ट्रॉन कोन है जंदी ना बॉन्ड रे ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर दी जंदी से वर्तमान हम जदि रेजोनेंस स्ट्रक्चर करबा ताले कोन हबो देखो केन लिखिबा सो ए दु टा इलेक्ट्रॉन कोन हबो ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बर्तमान कितना अच्छे थे ना इट कंटेन्स टू ओ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दीटा इलेक्ट्रॉन दीटा कौन हम ना क्या से बेंजीन रिंग को से दब बेंजीन रिंग को देवा फल बर्तमान कौन हम स्ट्रक्चर ताली एमती हम ना सो ये आम सिंगल बॉन्ड था मतलब डबल बॉन्ड पड़ो बिकज आम जानी दीटा इलेक्ट्रॉन मीनस गोटे बॉन्ड ओके सो ता लेखिया कौन ना दिस द ओएच एटा अच्छे आम कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन By giving the electrons, the oxygen becomes a partial positive charge. Electron देख oxygen ना कौन हवा ना positive charge हवा. अच्छा बिल्कुल देखा ये जब इलेक्ट्रॉन आसिला ताले ये कौन हवा रे ना टोटल आमर कौन है जो ना पांचटा ये कार्बन कितने जो ना जो ये लोग डबल बॉन्ड जब पुट कर दे भी ताले कार्बन आमर कौन है जो पांचटा 1 2 3 4 5 है ना सती से कौन है जो ना ये जो भीतर बॉन्ड कौन हवा ना नेक्स्ट कार्बन को आमर कौन है जो ना सीक्टे जो बुझा पड़ुची सो भीतर की अच्छी ना पाई इलेक्ट्रॉन अच्छी कितना पाई इलेक्ट्रॉन अच्छी इज द 1 bonds 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो आसले कौन वाला बर्तन एठे नाइट बिकम्स एडा हमर दुटा इलेक्ट्रॉन पड़ी जेबो तो बर्तन नेक्स्ट हो जे एडा बॉन्डिंग एडा हमरा से कोन होनी ना बॉन्डिंग बुझा पड़छि सो इलेक्ट्रॉन एडी आसी कोन वाला ना दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर सेडा हमर नेगेटिव चार्ज हबो सिमिलरली दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स और हम कहया कोन ऑक्सीजन रो जो लोन पेयर बसी से डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कोन जाना डीलोकलाइज हे जो डीलोकलाइज अर्थ से कोन बेंजीन रिंग से कोन होसी ना मिसी के जीव हरी ओके सो बेंजीन एंदी घुरी घुरी गले बर्तन ये हला नेगेटिव चार्ज हला ऑक्सीजन ना पॉजिटिव चार्ज हला सिमिलरली कोन हो ए बॉन्ड आ ए जगह आसीबो पुने बॉन्ड कोन आसीबो ना ए पोर्शन को आसीबो सो आसीला हमर स्ट्रक्चर हम इंदी लिखिबा ना सो दिस इज अ डबल बॉन्ड OH सो दिस इज ऑक्सीजन ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज अच्छा देखा बेले ए दीटा इलेक्ट्रॉन जदी ए पखु आसु जे ताले कोन आबे हमर बॉन्डिंग एड पडिबो ना नै हला नेक्स्ट जीवा ए बॉन्डटा ए कार्बन बक आसले 4 नंबर कार्बन बक आसले कोन हबो ना एठे दीटा इलेक्ट्रॉन रहइबो ए की चार्ज हबो ना माइनस चार्ज हबो भला हबे ध्यान दियो रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल को नेक्स्ट एठे हमर अछि कोन ना बॉन्डिंग ऑलरेडी अछि तो पुनी नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम किम लिखि परिबा ना अगेन ए इलेक्ट्रॉन दीडिया कोडी जीवो ए पर्सन को जीवो एंड भीतर पाई इलेक्ट्रॉन डा कोन हमरा सेकंड कार्बन बक आसीबो तो स्ट्रक्चर हमर कोन अब ताले स्ट्रक्चर हमर एटाई हबो तो दिस इज द डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज एठी हमर अछि बॉन्डिंग अछि सो एठी हमर कोन हला बर्तन बॉन्डिंग को रहइबो ए दीटा इलेक्ट्रॉन ए पोर्शन आसीवरी नेक्स्ट ए जो पाई इलेक्ट्रॉन कोन आसीओ ना 2 नंबर कार्बन एटम को आसीवरी बुझाबला एडे कोन होइजो ना नेगेटिव चार्ज हेइजो हम जानि छे जोडे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हला से की चार्ज हबो ना नेगेटिव चार्ज हला सो These are the हमें कौन कहवा ताले ना three resonating structures. These are the three resonating structures of phenols. This is the structure 1, 2 and also structure 3. है तीन टा resonating structure देख लो एक टी देख बिले एटा हमरो गोटे स्ट्रक्चर रे दीटा चार्ज अछि गोटे पॉजिटिव चार्ज अछि और हमर कोन अछि ना नेगेटिव चार्ज अछि पहिले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हेबा जो कोन आमे देखिया कोन ना फिनोल ला व्हाई फिनोल इज एसिडिक ना आमे जानि छे जे कोन H+ आयन रिलीज करियो त हम कोन कहबा एसिड कहबा तो फिनोल व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट रिलीजेस H+ आयन हला फिनोल जतला वाटर रे डिजॉल्व हबो फल से बुझ सो दिस द OH व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर मॉलिक्यूल इट इज अ रिवर्सिबल सिंबल इट कोन हबा ना समरो जो OH ए H+ आयन ना कोड हबो ना वाटर सहित मिसि जीवो हला वाटर मिस हमर कोन होय जीवो ना ऑक्सीजन आ देखडे ऑक्सीजन आ हाइड्रोजन रे बॉन्डिंग अछि ये त H+ हो पले कोन हबो ना ए बॉन्ड कोड आसीवरी ना ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ निजाड से अट्रैक्ट करिवो फल रे कोन हबे ना हियर द ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम इज रिलीज्ड वेरी इजीली हाइड्रोजन एटम कोन हबो ना रिलीज हो बुझाबला सो इट इज द फिनोक्साइड आयन हो जो कौन जोड़ा फिनोक्साइड आयन सो फिनल व्हेन लूजेस H+ आयन इट बिकम्स फिनोक्साइड आयन ये फिनोक्साइड आयन डा हम किमे जानि परिबा ना एटा सना वाटर केस रे देखिले बट वाटर केस रे देखिया द्वारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर द्वारा ही से कोन करे वाटर रे से डिजोल्व H+ आयन रिलीज करूची बट हाउ कैन इट रिलीज H+ आयन दैट कैन क्लियरली एक्सप्लेन फ्रॉम इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिस इज द रेजोनेंट स्ट्रक्चर सो रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो कोन होउची आमे ताले कोन लिखिबा एठे ना फिनोल रेजोनेंट स्ट्रक्चर हेबा जोगो एटा हमरो जे दीटा चार्ज रहउची सो इज द पॉजिटिव चार्ज एंड आल्सो द नेगेटिव चार्ज हियर ऑक्सीजन बिकम्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नॉट फुली पॉजिटिव चार्ज सो ऑक्सीजन दा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हला किंतु एटा कोन होउची ना इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार बेले ना ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिका एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन इट हैज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 एंड सो हाइड्रोजन हैज 2.1 है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 ऑक्सीजन 3.5 जार इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक से कौन कर ना देख ये रहा ओ आउ एच रहा ओके सो कौन है ना आर इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 आर हो 2.1 से कौन करे ना ए शेयर्ड इलेक्ट्रोन पेयर टाक ऑक्सीजन कौन करे ना निज आड़े झिक बुझा पड़ी ऑक्सीजन निज आड़े झिका फल से कौन हम ना ये जो इलेक्ट्रोन दुई जाक ऑक्सीजन आसाला फल ऑक्सीजन की चार्ज हो पे ना ऑक्सीजन आम कौन हो ना नेगेटिव चार्ज हो बर्तमान नेगेटिव चार्ज आम कौन है ना फिनोक्साइड आयन या बुझा पड़ी आ हाइड्रोजन टा रिलीज होगा है जो जेहेतु हाइड्रोजन रिलीज होगा आम से कौन कहवा ना दिस एक्सप्रेस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फिनॉल बुझला आम कमी लिखा तुम जहाँ स्ट्रक्चर कल से स्ट्रक्चर को आम कौन लैंग्वेज आकार लिखा पड़ो क्वेश्चन कौन दब ना राइट डाउन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल और हाउ कैन यू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल बुझा पड़ा कमी लिखा ना द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम इट्स रेजोनेंस कॉन्सेप्ट लिखिदेल तापर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करदेल तापर कौन लिखा ड्यू टू रेजोनेंस द ऑक्सीजन आटम बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड एट्रैक्टेड टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड रिलीज ए प्रोटॉन इजियर बुझा पड़ी यहाँ गोटे कराला बुझा पड़ा नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आम कौन लिखा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितल हाइड्रोजन आटम पला पर ये जो फिनोक्साइड आयन पे फॉर्मेशन हैला देख भल से टिके फिनोक्साइड आयन डा स्ट्रक्चर मत ड्रा करूची केमे तार इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख तो दिस इज द फिनोक्साइड आयन दिस इज द डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 OH बॉन्ड फैला इन फिनॉल रे ए दीटा इलेक्ट्रॉन आसे फल रे कोन होला बर्तन ये हमर कोन ऑक्सीजन नाम नेगेटिव चार्ज हे गेला सो दिस इज द फिनोक्साइड आयन इधर कौन क्या फिनोक्साइड आयन इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड फिनोक्साइड आयन कौन ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखाए देख केमती देखिए आपको आम लिखा कौन एमती जो एडी भी सिंधा हम कौन ना इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स बेंजीन रिंग कौन होची रे भल देखा जाउनी सर देखा जाउनी कौन स्मॉल लेटर हो जाउची रे ओके देखो सर किछ देखा जाओन तार कोन आबो ना ऑक्सीजन डा स्ट्रक्चर देखा जाओन कि एटा बड़ बड़ स्ट्रक्चर होई छी हां स्ट्रक्चर खाली देखा जाउ छी सर कोन कहू खाली स्ट्रक्चर देखा जाता कोन लेखु छन किछ देखा जाओन ओके हो तो एटा हम कोन ला देखो पुनी एटा हमर कोन बीटा इलेक्ट्रॉन दिला कोडी शिफ्ट हो पुनी बेंजीन न्यूक्लियो शिफ्ट होबो बेंजीन न्यूक्लियो शिफ्ट रे कोन आबो ऑक्सीजन 6टा इलेक्ट्रोन थिला बर्तमान कोन होइजे ना डबल बॉन्ड फुट हबो जे दुटा इलेक्ट्रोन आसिला बर्तमान ए बॉन्ड टा बर्तमान कोन होइजो ना ए डबल ए बॉन्ड हमर स्थिज ए कार्बन एटम को सोइड मते कोन होइजो ना दुटा इलेक्ट्रोन ऑलरेडी हेजिबो हैला पुणी कोन हबो देखो अगेन ए दुटा इलेक्ट्रोन ए जाओ शिफ्ट हबो ए कार्बन कोन शिफ्ट हबो पुणी 4 नंबर कार्बन को शिफ्ट हबो तो हमर स्ट्रक्चर नेक्स्ट इम दे आसीबो जे डबल बॉन्ड ओ ओके सो ए दीटा इलेक्ट्रोन ए ए पाखु आसे कोन गोटे बॉन्ड पड़ो पाई इलेक्ट्रोन बॉन्डिंग आ बॉन्डा कौन एक 4 नंबर कार्बन पाख आसे कौन हो इलेक्ट्रोन दुटा अधिका हम एगेन आम स्ट्रक्चर इमती अच्छे बुझा पड़ा पुणी कौन हो ना ए दुटा इलेक्ट्रोन एगेन आस आम ए बॉन्ड पाखु ए बॉन्डा कौटी जीव ना 2 नंबर कार्बन पाखु जीव है तो स्ट्रक्चर टाइम इमती लिखा देख सो दिस इज द डबल बॉन्ड एट इलेक्ट्रोन दुटा रही पुणी बॉन्ड पड़ो सो आम रही कौन दिस इज द डबल बॉन्ड ओ ओके इन हम है सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन सो आम जो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल लिखा से कौन लिखा ना एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल रे फिनॉल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवा पुणी क्या करवा ना फिनोक्साइड आयन आम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवा है ये टी देख पे फिनोक्साइड आयन जो आम लिखुचे ये आम ऑक्सीजन कौन होना माइनस चार्ज हो एथे जो ये पॉजिटिव आउ नेगेटिव चार्ज दुटा अच्छी ऊपर स्ट्रक्चर रे पुणी तल स्ट्रक्चर कौन अच्छी ओनली दि नेगेटिव चार्ज अच्छी है सो ये आम कौन कहता है व्हिच इज मोर स्टेबल बिटवीन फिनॉल एंड फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल दैन द फिनॉल किए अधिक स्टेबल फिनोक्साइड आयन कहीं ना ये ऑक्सीजन केवल पॉजिटिव चार्ज हेनी हम कि कहीं तार हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिका से केवल पॉजिटिव चार्ज हेनी जो पॉजिटिव चार्ज हेनी पॉजिटिव चार्ज मुंड ऊपर अच्छी सो इट इज ए अनस्टेबल कंपाउंड बुझा पड़ी एंड फिनोक्साइड आयन इज द मोर स्टेबल कंपाउंड it can shows resonant structure. ये कौन करे ना अधिक resonant structure reaction करी परियो और अधिक resonant structure क्रिएट करी परियो, है ना? So between phenol and phenoxide ion is also resonance stabilized. तार resonant structure draw कर दला, so this structure draw कला पर लिखियो जे this explains the acidic nature of phenol. बुझा पड़ू जी एला फिनल रा एसिड नेचर विषय रे हला बहुत भला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एडा मन रखि दियो. नेक्स्ट जीवा ए एसिड OH ग्रुप एसिड नेचर जो से का का सत रिएक्शन करे देखो बिले ना फर्स्ट रिएक्शन होई छी हाउ डज फिनल रिएक्ट विथ सोडियम. देखो फर्स्ट लिखिया में कोन रिएक्शन विथ सोडियम कहि छी कोन फिनल्स दिस द एज फिनल OH when reacts with the two molecules or two atoms of sodium, what will it form? Now it will form कौन आशिवा ना ONA. कौन दबा ना ONA. इधर two molecules of phenol when reacts with the two atoms of sodium, it will form ONA plus एक तरह से hydrogen दी जाएगी plus हमारा आशिवा कौन ना H2. अल्ला this is the sodium phenoxide. कौन दला sodium phenoxide. तो सोडियम होने रिएक्ट विथ फिनॉल्स होने रिएक्ट विथ सोडियम इट फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड. अच्छा ए रिएक्शन ना कोन पड़छ हमें ना रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप पड़छे फिनॉल रे कोन ना बेंजीन न्यूक्लियस रिएक्शन रे भाग नबनी के केवल भाग नब ना ओनली OH ग्रुप ता भाग नब हला बतन OH ग्रुप भाग नब कोन हला पिरिड ना ONA आसीला हला अकम कोछ कोन ना सोडियम फिनोक्साइड बुझा वाला एटा फर्स्ट रिएक्शन दा. Next, second reaction is how does phenol react with alkali? Alkali means this is the strong alkali. Sodium hydroxide is a strong alkali. Okay. देखो second reaction, how does phenol reaction और हमें लिखे तो कौन ना reaction with NaOH. NaOH. कौन देसी? ना this is the phenols. Okay, phenol when reacts with sodium hydroxide, that is the NaOH. कौन जो कौन remove जो पहले देख लिया टू कौन remove है ना OH सही तो हमारे कौन अब इधर खाली हम पढ़ जो reaction वो due to OH ग्रुप वाले पढ़ जो और OH सही तो और H part remove है जो. Okay, कौन एक remove अब OH सही तो H addition में मिला हमारे जो कौन ना H2O. आ कौन रहेला your ONA part will be attracted to the attached to the benzene nucleus. So product amar ashe sodium phenoxide gasila previous reaction jin thila it will also form sodium phenoxide. So phenol when reacts with sodium hydroxide it forms sodium phenoxide. Eta kon daba na OH saith AH part remove ho jibo water he giri au ONA part amar ko attachment hobo na benzene nucleus re attachment hobo. This is the second reaction hala how does phenol reacts with sodium hydroxide. बुझला. Next जीवा how does phenol reacts with PCl5, that is the phosphorus pentachloride. है ना देखो with PCl5 phosphorus pentachloride. So phenols when reacts with PCl5 phosphorus pentachloride कौन remove हो देखो बोले हला how does phenol reacts with PCl5. अच्छा फर्स्ट हमरा कोन आसी बेठे phosphorus pentachloride रो गोटे जीव कोन phosphorus अछि आ कोन आसी रे ना chlorine भी अछि एडे oxygen भी अछि तो हम remove करिया कोन ना POCl3 केतरा chlorine अछि एडे 5 टा chlorine अछि तो 3 टा chlorine remove होला हमरा रहला केतरा chlorine ना 2 टा chlorine रहला. ओके सो दीटा क्लोरीन रो आ गोटे क्लोरीन का सता अटैचमेंट होई जे एटा हाइड्रोजन बचि ना नाही सो आ गोटे क्लोरीन से रिएक्शन जे कोन ना हाइड्रोजन से रिएक्शन में क्लोरीन सो इट विल फॉर्म HCl. नेक्स्ट आसे कोन बाकी मेन प्रोडक्ट हमर कोन रहला ना गोटे केवल क्लोरीन रहला सो इट फॉर्म द क्लोरोबेंजीन विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन. ओके सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. सो फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इट फॉर्म द क्लोरोबेंजीन हला बेंजीन से तो क्लोरीन अटैचमेंट हम कौन कहते हैं क्लोरोबेंजीन विल बी फॉर्म हला कि दिस इज द थर्ड रिएक्शन. दिस इज आल्सो द रिएक्शन ड्यू टू ओनली OH ग्रुप देखु छ ना ए रिएक्शन जा रे के बेंजीन न्यूक्लियस कोन भाग नउछि कि और बेंजीन न्यूक्लियस से कोन अटैचमेंट होछि कि नाही केवल कोन होछि ना OH पार्ट ही हमर रिमूव होछि So this reaction नाम को कौन ना reaction due to only OH group अला? Next जीवा how does the phenol react with the zinc dust अला? Zinc dust the phenols similarly have very equation तो OH group this is the zinc dust जिंक डामर कौन थाय रे डस्ट माने गुंडो नाही रे हला से आकार थाय सो कौन रिमूव जेटे ना हियर द ZnO विल बी रिमूव्ड ओके भल से देख रिएक्शन को जिंक जतला ZnO डा रिमूव हे जीव ताला प्रोडक्ट हमर कौन द पिलेठे ना बेंजीन रहबो ए खाली हाइड्रोजन डा रहयो ना बेंजीन ऊपर कौन रहयो ओनली हाइड्रोजन डा रहयो प्लस कौन रहयो ना ZnO जिंक ऑक्साइड रिमूव हे जीव अच्छा बेंजीन ऊपर हाइड्रोजन रहबा चाहा ए हाइड्रोजन भितरु गला रे होला ना कासे कार्बन से अटैचमेंट हो गेला कोन अब दालेडा ना दिस इज द C6H6 तो द फार्मूला इल कोन ना C6H6 सो इट इज द बेंजीन ओके सो फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट इट फॉर्म बेंजीन कोन दला हमर रिएक्शन ना बेंजीन हमरो आसीला बुझला नेक्स्ट अछि लास्ट रिएक्शन कार ना रिएक्शन होती OH ग्रुप रो लास्ट रिएक्शन कोन दैछि हाउ डज फिनॉल रिएक्ट विथ एमीन्स और हाउ डज एमीन्स हम कोन जानछि बेले एमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया एमोनिया रो डेरिवेटिव हला एमोनिया फार्मूला इज द फार्मूला ऑफ एमोनिया इज द NH3 हला देखो फिनॉल एबे कोन हबो ना एमोनिया साथे केमदि रिएक्शन हबो आ तारो एमीन डेरिवेटिव केमदि फॉर्मेशन करिवो ओके सो कौन लिखिबा डे ना द फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ एमोनिया द फार्मूला ऑफ एमोनिया इज NH3 हम NH3 के लिए एमती भी लिखि परिबा कि द सेंटर एटम कंटेन्स द नाइट्रोजन नाइट्रोजन रो कोन अछि रे नाइट्रोजन होज 7 त लिखिया 2 एंड 5 द 5 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये क्वेश्चन आसे कोन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन कंटेन्स 5 valence electrons काहेगी ना outermost orbit electron is called the valence electron बुझा पड़ू जी तो केतरा अछि ना पांचटा अछि सो 1 2 3 4 एंड 5 पांचटा रहला बर्तन आको कोन अछि हाइड्रोजन केतरा अछि ना तीनटा हाइड्रोजन अटैचमेंट अछि ओके बुझू छी ना नहीं ताले कोन हबो हियर OH सहित हमर कोन होय जो HA ग्रुप रिमूव होय जो काहेगी ओनली हमें पढू छे एडी की भल से ध्यान दबा ना OH ग्रुप ही केवल हमर कोन होची ना रिमूव होची तो कोन प्रोडक्ट दबे ताले बर्तन एड कोन रहला बिलाओ NH2 रहला सो हम NH2 कोड अटैचमेंट हे जो ना बेंजीन रा न्यूक्लियस रे NH2 अटैचमेंट हबो ओके विथ द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कोन रिमूव होला ना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हे जो आकाश द अटैचमेंट हबो ना बेंजीन से हमर कोन अटैचमेंट हबो NH2 ग्रुप ता बुझा पड़छ ना नहीं सो एटा ताले कोन कहबा ना फिनॉल्स व्हेन रिएक्ट्स विथ एमीन्स इट फॉर्म एनिलीन बेंजीन ऊपर NH2 थिला हम कोन कहबा ना एनिलीन बुझा बोला फिनाइल बेंजीन और हम कोन कहया ना एनिलीन हला एटा दुटा रिएक्शन में लिखिनी आ कोन रिएक्शन अछि हाउ डज फिनॉल रिएक्ट्स विथ अल्काइल हलाइड केमिकल रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप अंडर रे हम आउट पढिबा हाउ डज फिनॉल रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड रो फार्मूला कोन की कहि परिबो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड कोन रे अल्काइल हैलाइड रो फार्मूला RX द फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज RX देखो और दाव एग्जांपल ले कोन हबो ना CH3Cl इज मिथाइल क्लोराइड ठीक मन ना धरधर कोइ पन ना सो फार्मूला ऑफ हम पूरा हला अल्काइल पढिले ऑलरेडी चैप्टर गलानी दिस जस्ट फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड द RX तो R माने कोन CnH2n+1 इज द X हला कोन लिखे ताले CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड यदि C2H5Cl इथाइल क्लोराइड ओके दीस आर द अल्काइल हैलाइड्स हला सो देखो देखियो कोन ताले फिनॉल्स द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इज द OH सो फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड द अल्काइल हैलाइड फार्मूला और इफ फिनॉल रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड हम नेबा मिथाइल क्लोराइड फार्मूला होची CH3Cl ताको हम लिखिबा ClCH3 भी लिखि परिबा बुझा वाला बेले हला सो फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड here the HCl will be removed. HCl molecule remove हो जीवा तो बर्तन कौन आवा ना ऊपर वाला के बड़ा O अच्छी ये ऑक्सीजन से देखिए CH3 attachment है बा. Okay, so this is the OCH3. The formula of OCH3 is के कोई बारी बा OCH3 ना कौन मिथोक्सी कौन गया लगो इथर रे पड़ी बा आप औरती चैप्टर रची सोडी तो मिथोक्सी. So ऊपर OCH3 माने मिथोक्सी तलर वाला कौन बेंजीन अच्छी. So it is called the methoxybenzene. बुझा बोलूँ जी, जब हमारे O's इधर देखियो कौन है ClC2H5 प्लेन एंड एजीबी, ताले प्रोडक्ट हमारा कौन है शिवा, so the product will be OC2H5. So this is the methoxybenzene and this is the ethoxybenzene. है ना? So phenol when reacts with methyl chloride, तो addition of alkyl halide हम पढ़ूँ जी, है ना? So phenol when reacts with methyl chloride methoxybenzene will be formed. So when phenol reacts with ethyl chloride, ethoxybenzene will be formed. Hala? With the elimination of hydrogen chloride, itra kon remove haba? Na HCl will be removed, and the major product will be the ether. Or tama ko imdi koi para, is the methyl phenyl ether bhi koi para. Hala? CH3 the methyl part, this is the benzene part. Tama ko the phenyl part koi ba? Methyl फिनाइल इथर भी कहबा इथर ओ गोटे ऑप्शन अछि ताका हम इथर कहबा कमिंग पीरियड अछि नेक्स्ट चैप्टर रे पढिया इथर व्हाट इज इथर होली बुझा वाला. नेक्स्ट जीवा एडा अछि कोन रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड. नेक्स्ट अछि रिएक्शन विथ एसाइल हैलाइड और एसाइलेशन और रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड. हला देखो हाउ डज फिनाइल रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड कोन एसिड क्लोराइड रा फार्मूला जानि छना. What is the formula of acid chloride? Organic पढ़िवा formula न जानले किंतु करिया पिले. So it is the phenol. किए कोई परियो? What is the formula of acid chloride? Alkanoyl chloride. Acid chloride और तक हमें कुछ alkanoyl chloride और RCOCl. हैला? R जगह CH3 ले कौन आवा? CH3COCl. बुझा पड़ो ची? तो इधर एसी ठीक है देखा एसिल क्लोराइड एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो जी CH3COOH. एसिल क्लोराइड टाइम कोड रिमूव है जी कोड डिराइव है जी ना एसिल क्लोराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड एसिटाइल क्लोराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड. द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH. तो इथे कौन होता है ले वन OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द Cl ग्रुप. OH कटिग्राम में कौन रहबो ना यदि Cl ग्रुप रहे ताला हम कोन कहबा सो द प्रोडक्ट विल बी बेंजीन नंबर कोन आसीबो. देखो एडा OH ग्रुप कटिला कोन पार्ट Cl पार्ट अटैचमेंट हबो. Cl पार्ट अटैचमेंट कोन हबो रे ना सो बेंजीन नहीं एडा हमरा सो CH3COCl. दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड. हला जो एसिटाइल क्लोराइड हम कोथरे यूज करूचे ना एसाइलेशन रा में यूज करूचे बुझा पड़ुची. सो एडिशन ऑफ एसिड क्लोराइड इज कॉल्ड द एसाइलेशन. एमदी में हम कहबा तो फिनॉल होय रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड देखिले हम एसिड क्लोराइड फार्मूला कोन CH3COCl देखिले ताको एमदी रे लिखि दियो टिके बैक साइड और लेखो कोन लिखिबा ClCO CH3. ओके कोन इन प्रेजेंस ऑफ ए कोन ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट माने जो पार्टिकल देले वाटर मॉलिक्यूल तो रिमूव होतो ताको हम कहू छी कोन ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके so the point here the HCl will be removed. Gonna remove pile hydrogen chloride ta remove hoba and CO part amar attachment jo. So the product kon asibo na it amar product dabo OCOCH3 bujha pala kon product dabo OCOCH3. So this is the ester or ta hum imti bi likhi bare pile kon na COCH3 बुझा पड़ी बेंजीन उपरे COCH3 एडा काहे कहले ना COO अछि. सो आमे को एडा कोन ना ईस्टर कंपाउंड हला सो एडा कोन मिथाइल इट द फिनाइल ईस्टर मिथाइल फिनाइल ईस्टर और कहबा फिनाइल एसिटेट भी कहबा हला एसिटिक एसिड पार्ट रे हेच कटिक खाली फिनाइल ग्रुप लागि त हम फिनाइल ईस्टर फिनाइल एसिटेट और मिथाइल फिनाइल एस्टर भी कहि परिबा बुझा वाला. ये थला हमरा कोन ना द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप अंडर OH ग्रुप अंडर है। नेक्स्ट जीवा सेकेंड रिएक्शन आमर कौन अच्छे बोले ना रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन एटा साला आमर रिएक्शन टू OH ग्रुप सेकेंड अच्छी रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन आम थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा कौन ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा। ऑलरेडी आम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन जाने वाटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ना हेलोजेनेशंस नाइट्रेशंस एंड आल्सो सल्फोनेशंस। सो बर्तमान देख ता लिखा कौन कौन अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग रे कौन अच्छी देख ना फास्ट जीवा हेलोजेनेशन। सो हेलोजेनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन एटम्स क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आल्सो आयोडीन। बर्तमान कौन हम फिनॉल है व्हेन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर है व्हेन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर Br2 एक्वास ब्रोमीन माने ब्रोमीन सहित कौन मिश्री वाटर मिश्री वाटर एडिशन कौन कहवा एक्वास कहवा। सो फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर और एक्वास ब्रोमीन और हम लिखा थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्वास ब्रोमीन कौन प्रोडक्ट दब देख ये कौन लिखा। अच्छा ये मुझे कौन चाहूँगी ना ये पढ़ुचे रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग जहाँ भी ये अटैचमेंट हम डायरेक्टली बेंजीन न्यूक्लियस सहित से अटैचमेंट हम OH ग्रुप सहित नुह देख बोले किमती आम गोटे पढ़ले कौन टे देख जो आम रेजोनेंस स्ट्रक्चर मुझे कली से कौन अच्छी फिनॉल रो कौ जगार रोचे इलेक्ट्रोन डेंसिटी ना दुई नंबर पोजिशन रोचे इलेक्ट्रोन डेंसिटी दुई नंबर पोजिशन रोचे चार नंबर पोजिशन इलेक्ट्रोन रोचे आ कौन तीन टी जाक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आम कौन जी कंपारिजन करवा दुई चार आ नंबर पोजिशन इलेक्ट्रोन डेंसिटी अधिका होना ना ये आम कौन थी ना दिश फिनॉल थिला बुझाला। सो ये देख सो फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ 3Br2 माने 6टा और ब्रोमीन वाटर और एक्वास ब्रोमीन केतरा नियाइची ना 6टा ब्रोमीन एडिशन कराइची तो कौन प्रोडक्ट दबो जो ब्रोमीन जा आसीबो पिले जगह रे इलेक्ट्रोफाइल जो ब्रोमीन जा आसीबो से ब्रोमीन जा कोल अटैचमेंट हबो ना ऑल द ब्रोमीन्स विल अटैच टू हमरा 2 4 एंड 6 पोजीशन सब जगह ब्रोमीन 2 4 आ केतरा नंबर पोजीशन रे ना 6 नंबर पोजीशन हमरा अटैच हबो बुझा पड़ुची देख कि लिखा। अच्छा जदि कि अटैच होना ना ये सब दुटा लेकिन इलेक्ट्रोन अलरेडी अच्छी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आम जाने ये दुटा इलेक्ट्रोन को यूज कर कौन हम ना ये गोटे ब्रोमीन लगे फल आ भर हाइड्रोजन टा रिमूव हो लिखिदेली मुमती चार नंबर पोजिशन मत दुटा इलेक्ट्रोन अच्छी मत यूज कौन से दुटा इलेक्ट्रोन यूज कर गोटे ब्रोमीन लगे चार नंबर पोजिशन मत कौन हम ना हाइड्रोजन आटम रिमूव हो बुझा पड़ी। सिमिलरली ए दि 6 नंबर पोजिशन मध्य दुटा इलेक्ट्रोन अच्छी से कौन हम ना दुटा इलेक्ट्रोन को यूज कर कौन अटैचमेंट हम ना ब्रोमीन आमर लगे से कौन हम पे ना हाइड्रोजन आटम आमर रिमूव हो बुझा पड़ा केतरा हाइड्रोजन आटम रिमूव होला ना 3टा हाइड्रोजन आटम रिमूव होला ताजारे केतरा ब्रोमीन लगी 3टा ब्रोमीन आमर ये अटैचमेंट होके आउ केतरा रहला आउ 3 एटम्स ऑफ ब्रोमीन रही गला हैला। सो आउ 3 एटम्स ऑफ ब्रोमीन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिसी कौन है जो पिले सो इट विल फ्रॉम 3HBr कौन है जो 3HBr बुझा पड़ा रिएक्शन। सो ताला हम कौन लिखा फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर और एक्वास ब्रोमीन आम इटा ना कौन हम ना देखिए तो OH पोजीशन इज द 1 2 3 4 5 एंड 6 सो डामा 2 4 6 कौन है 2 4 6 ट्राइब्रोमो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बुझला कौन लिखिले फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ एक्वास ब्रोमीन द प्रोडक्ट इज 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके सो ये हमर कौन ना हाउ डज फिनॉल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन हैला। अच्छा जदि ये कैटालिस्ट निया पे ये किसी कैटालिस्ट नियानी जदि कैटालिस्ट में कार्बन डाइसल्फाइड नहीं तो फास्ट पढ़ा देला इफ विल टेक कार्बन डाइसल्फाइड ये कैटालिस्ट देबा ताले कौन प्रोडक्ट दब देख ना फिनॉल विल फॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड ने फिनॉल होरे रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड केतराचार दीटा रिएक्शन होची ब्रोमीन सहित गोटे एक्वास ब्रोमीन सहित देखिले और देखिबा ओनली ब्रोमीन एक्वास नुह बट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कोन प्रोडक्ट आसीबो ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन नावा हियर द मिक्सचर प्रोडक्ट विल फॉर्म मिक्सचर बनाने दीटा फिनोल ग्रुप रहबिले बुझला हला तो ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल भी अछि सो गोटे एटा ऑलरेडी ओएच अछि सो हमरा या गोटे लागे ब्रोम फिनोल और गोटे ब्रोमीन अटैचमेंट आब कोडे ऑर्थो पोजीशन रे दैट इज 1 2 पोजीशन एंड आउट ब्रोमीन अटैच आमा कोन ना पारा पोजीशन रे सो इट इज द ओएच एंड बीआर हला एटे हाइड्रोजन लागिला एटे ब्रोमीन लागिया पर आर हाइड्रोजन रिमूव हो जिवो एडी भी ब्रोमीन लागि छि आर भी हाइड्रोजन रिमूव हो जिवो बुझा पड़छि दीटा हाइड्रोजन एटम रिमूव हला आ एटा चारटा ब्रोमीन थियो जो ऑलरेडी दीटा ब्रोमीन अटैचमेंट हे गलानी आ केतरा छि रे ना दीटा ब्रोमीन अछि सो लिखिया कोन प्लस 2HBr बुझा वाला तला में कौन लिखिबा फिनॉल्स कोन रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ए नॉन पोलर कंपाउंड हियर द नेम इज ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड द सेकंड इज द 1,4 पोजीशन अच्छा में कहबा पाराब्रोमोफिनॉल बुझा वाला ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पाराब्रोमोफिनॉल with the liberation of two molecules of hydrogen bromide बुझ लगे ये वाला हाइड्रोज फिनॉल रिएक्शन थी ब्रोमीन हला नेक्स्ट जीवा व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सीन इन केस ऑफ ए फिनॉल्स और देखिबा देखो हाउ डज फिनॉल हां एडा ला हेलोजेनेशन सला बिले नेक्स्ट जीवा हाउ डज फिनॉल रिएक्शन थी और हाउ डज फिनॉल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड ओके दी डायरेक्शन देखिबा नाइट्रिक एसिड मध्य सो एडिशन ऑफ और व्हाट इज द नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल हम लिखिया कोन एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3 तो देखो सिंधा लिखिबा फिनॉल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड द फार्मूला इज HNO3 का हम भांगी लिखिबा HO NO2 लिखिबा गोटो इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड अगेन आगो होची कोन ना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सो फिनॉल होन रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और फर्स्ट देखा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देखो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कोन प्रोडक्ट दबो एडे हम एबा हियर द इलेक्ट्रोफाइल इज द NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल हम जानि से नाइट्रेशन रे सो एडे हम मिक्सचर प्रोडक्ट दबो पिले द OH हियर द NO2 देखो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एडी में जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल NO2 गोटे NO2 ग्रुप को लागिला ना टू नंबर पोजीशन अटैचमेंट हबो हम जान अर्थोबारा पोजीशन अर्थोबारा माने कोन जदि फिनॉल ऊपर कोन अछि ओ बेंजीन ऊपर OH ग्रुप अछि OH रे हमर अर्थोबारा डायरेक्टिंग ग्रुप टा मन रखिताओ OH रे कोन अर्थोबारा डायरेक्टिंग ग्रुप टा अर्थोबारा माने कोन 2 आउ 4 नंबर पोजीशन अटैचमेंट हबो तो सेते कोन हबो ना ओ NO2 अटैच हला कोडे ना टू नंबर पोजीशन रे तो हमरा से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आना कौन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आउट NO2 लगे आम लगे कौटे 4 नंबर पोजीशन रे तो प्रोडक्ट आम कौन आसे नाइट विल बी OH एंड NO2 इट इज पारानाइट्रोफिनॉल सो गोटे देला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड आउट आम आसला कौन ना पारानाइट्रोफिनॉल है दिस इज द मिक्सचर प्रोडक्ट है अच्छा ये OH अच्छे ना पे कितना OH अच्छी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ OH अछि सो हियर ना हमर कोन अछि टू नंबर पोजीशन ओडा हाइड्रोजन रिमूव हेथिबो और कोडो ना फोर नंबर पोजीशन ओडा हाइड्रोजन रिमूव हेछि सो हियर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आल्सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ OH एटम्स कंबाइन कोन आबेले इट विल फ्रॉम 2H2O ओके सो फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इट विल फ्रॉम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड आल्सो पारानाइट्रोफिनॉल with the liberation of two molecules of water molecule okay next jiba how does phenol react with the concentrated nitric acid dekha concentrated nitric acid kon habo na sindha likhiwa phenol this is the OH the concentrated nitric acid ta kon likhiwa kon concentrated HONO2 ye bhale dekho pile reaction da so phenol the OH When it reacts with the concentrated nitric acid, ताको भी लिखी भांगी नाइट्रिक एसिड को कौन पार्ट को लिखी HONO2 कर दूची ओके केतरा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हियर द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हियर द OH इज द माइनस एंड आल्सो NO2 इज द प्लस कौन अब ए तीनटा NO2 ग्रुप अटैच होना को जगह पिले ना 2 नंबर पोजीशन और हमरा से 4 नंबर पोजीशन और से कोडी ना 6 नंबर पोजीशन को काहेंगे हम ऑलरेडी जान दे से इन 2 4 6 पोजीशन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर बुझा बला तो प्रोडक्ट ताले हम कोन लिखिबा ना प्रोडक्ट हमारा ए आसीओ तो दिस द ओएच द NO2 एंड NO2 त लानाडा कोन हबो ना एटा जो ओएच रे पोजीशन जो 1 NO2 रे पोजीशन 2 हियर NO2 रे पोजीशन 4 हियर NO2 रे पोजीशन कदे ना 6 सो हियर द आईपीएस नेम इज 246E ट्राई नाइट्रो केतरा NO2 ग्रुप अछि ना 3 टा NO2 ग्रुप अछि सो आनाडा कोन हबो 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल तला कौन देखले ना दीटा रिएक्शन फिनॉल होने रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इट फ्रॉम द मिक्सचर प्रोडक्ट्स ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल फिनॉल होने रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट फ्रॉम ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज द 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और इट्स नेम इज पिक्रिक एसिड कौन कहबे एटा को आ नाडा हो जो पिक्रिक एसिड PICRI पिक्रिक एसिड बुझा बोला द कॉमन नेम ऑफ 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज पिक्रिक एसिड हैला ये साला हमर कोन ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रो नाइट्रेशन हैला कि नेक्स्ट जीवा थर्ड रिएक्शन हाउ डज फिनॉल रिएक्ट विथ और हाउ डज फिनॉल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड और व्हाट इज द सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल हैला देखो सल्फोनेशन आम कौन देखा ना एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भले बुझ सो दिस इज द OH द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 हला H2SO4 हम केन लिख परबा आ हम हिंदी लिख परबा पले HOSO3H हला एडी पले दीटा कंडीशन रे रिएक्शन रहबो सल्फ्यूरिक एसिड अंडर रे गोड होची ओनली एच 273 डिग्री सेल्सियस गोटे लो टेंपरेचर और हमरा कोन अछि ना हाई टेंपरेचर बुझा पड़ुची सो फिनॉल होने रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट होज हमर कोन लिखबा लो टेंपरेचर दैट इज 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट होज कोन ना होज कोन 278 ओके कोन प्रोडक्ट आसी एठे ना HOSO3 जो अछि एटा भलाइ बुझो HOSO3 रो कोन OH इज द माइनस एंड SO3 इज द प्लस पार्ट सो हियर द इलेक्ट्रोफाइल इज द SO3H सॉल्व SO3H ग्रुप ओके तो ये भी लिखिया हम कोन ना टू मॉलिक्यूल्स नेबा तो प्रोडक्ट हम कोन दबो ना हियर द प्रोडक्ट दबो गोटे जगह हमर कोन हबो ना OH SO3H हला ऑर्थोफिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड दुनर पोशन लागिबे SO3H डा और 4 नंबर लागिबो हला बिले तो हमरा से OH SO3H सो आका हम कहया कोन ऑर्थोफिनॉल बिकॉज़ इट्स द 1 2 पोजीशन Here the position of SO3H is 1. तो हम कौन कहेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड ओके एंड हियर द पोजीशन इज 4 1 2 3 4 ताले क्या पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड हैला दिडा प्रोडक्ट दबा सल्फोनेशन रे ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड एंड आल्सो कोन हमरो ना पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड है लगी ये साल हमर कोन हेलोजेनेशन नाइट्रेशन और सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल्स हैला ये साल हम दिस आर द केमिकल रिएक्शंस आ गोटे रिएक्शन ला पहिले लास्ट रिएक्शन आ कोन ना राइमर टाइमन रिएक्शन अछि जे कोन सैलिसिलिक ए रिएक्शन मन रखियो राइमर TIMA राइमर टाइमन रिएक्शन कोन ना फिनॉल when reacts with CaCl3 chloroform in presence of NaOH it will form kon daba na orthohydroxy benzaldehyde OH CHO orthohydroxy benzaldehyde okay dekho eta 3 molecules of NaOH addition karibo plus 3 NaCl daba plus 2 H2O daba hala phenol when reacts with chloroform in presence of NaOH anana kon और कम सालिसाल्डिहाइड सैलिसाइल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड एटा हम कहछे कोन दिस इज द राइमर टाइमन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स हला गोटे दबा कोन इन गोटे अछि इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड अनदर इज इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देखो जदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड दबा एटा आस्थिला रे 2020 रे एंड आल्सो 2018 रे भी अछि बिले पढिला तो OH प्लस CCl4 प्लस एटा माने कोन 4NaOH molecules particular product एटा हमरा एसिड दबो एसिड प्रोडक्ट कोन OHCOH प्लस एटा 4NaCl कोन जोडे 4NaCl molecules because क्लोरीन अछि केतरा चारटा अछि सोडियम मध्ये केतरा अछि बेडे ना चारटा अछि केतरा सोडियम क्लोराइड लिबरेशन हबो ना चारटा सोडियम क्लोराइड लिबरेशन हबो प्लस मध्ये 2H2 आसियो बुझावला अच्छा एक ये देखो सो राइमर टर्मिनेशन रे दीटा रिएक्शन देखिले और दीटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होला गोटे मेजर प्रोडक्ट होछि सैलिसाइल्डिहाइड आउर हमर अछि कोन पिले ना सैलिसिलिक एसिड ए एल्डिहाइड ए CHO थिबा जो हम कहले सैलिसाइल्डिहाइड जेतला हम नोमेनक्लेचर पढै थिले सेतला ऑलरेडी मु तमोडा कहि देछि आ COH थियो जे हम कहै जे कोन ना सैलिसिलिक एसिड और हम कहै कोन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड हम कहि परिबा दिस इज द ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मध्ये हम को कहि परिबा बुझा पडु छी सो दीज आर द ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ए सब जगह बुझला मे पार्ट 1 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम ऑलरेडी पढि दिथिले सो दिस इज अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द फिनॉल and this overally the chapter is completed phenols ra hela chemical reactions of phenols bujhabala so next period ame padhiba kono na ame alcohol padile phenols padile to third chapter combination chapter achi kono ether achi so coming class re padhibe kono na ethers bujhla ki thank you all